हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने सोलन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर शोषण हुआ है और पेंशनरों को वायदा का झुंझुना दिया गया था। वर्मा ने कहा कि वे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हिमाचल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों का ख्याल नहीं किया है, बल्कि संघों के नाम पर वे मात्र प्रदेश में राजनीति करते हैं, इसलिए उनकी मान्यता को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए। उन्होंने प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को याद दिलाया कि भाजपा द्वारा जो चार्जशीट राज्यपाल को सौंपी गई है उस पर कार्रवाई की जाए और अगर वे इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भाजपा चारों सीटों पर कब्जा करने में सक्षम होगी। ये मांग है वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि अब किसी को भी मतलब जो है एक्सटेंशन ना दें। और बिल्कुल इसके अलावा हमने ये भी कहा है, जो कांग्रेस शासन काल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पेंशन एसोसिएशनों ने जो राजनीतिकरण करा उनको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए और अच्छे लोगों को आगे लाकर के जो है मान्यता दी जाए ताकि कर्मचारियों पेंशनों का उद्धार हो। और इसके अलावा हमने आज हम ये मांग और भी करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से और हमें पूरी उम्मीद है कि उसे जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्यपाल जी को चार सीट सौंपी थी, उस चार सीट पर कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। अगर उस चार सीट पर कार्रवाई तुरंत हुई तो चारों लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीतेगी।